अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, ये जो आप तंजिया अंदाज में दावे कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सब लोगों ने देखा है कि चंद दिनों के अंदर अंदर रेलवे मैंने कहां से कहां पहुंचा दी। बता दें कहां से कहां, दोनों जगहों के नाम बता दें। कहां थी और आपने कहां पहुंचाई है, जरा बात समझने में आसानी हो जाएगी। जुनैद साहब, जो ट्रेन कराची खड़ी थी वो इस वक्त पेशावर पहुंच गई, जो पेशावर खड़ी थी वो इस वक्त कराची पहुंच गई। यानी आपने ट्रेनें इधर उधर की हैं। जुनैद साहब, मैं रेलवे का वजीर हूं, मैंने ट्रेनें इधर उधर करनी थी ना, मैं कुली तो नहीं ना जो ट्रंक इधर उधर करता। शेख साहब, पीपल्स पार्टी वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ट्रंक भी इधर उधर कर रहे हैं। कह रहे हैं जब आपकी वजारत खत्म होगी फिर पता चलेगा। वैसे मैं हैरान हूं जुनैद साहब कि आप पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो खुद अपना जिक्र नहीं करती। पीपल्स पार्टी तो जुनैद साहब सियासत से ऐसे आउट हुई है जैसे लाहौर कलंदर पीएसएल से आउट हुई। अब तो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन या अबू को फोन कर लेता है या अबू चेयरमैन को फोन कर लेता है। अगर कभी घर से बाहर इनकी कॉल मिली है तो ज्यादा से ज्यादा कमर जमान कायरा को मिली है। लेकिन बहरहाल शेख साहब, पीपल्स पार्टी अभी भी एक सियासी कुव्वत तो है ना। जुनैद साहब, सियासी कुव्वत तो आप तब कहें अगर पीपल्स पार्टी में कोई बंदे बच गए हो। अच्छा जी, अब तो पीपल्स पार्टी में उतने को बंदे बचे हैं जितने दुल्हन की डोली जाने के बाद तंबू में बच जाती है। एक तंबू उतारने वाला होता है, दूसरा देगे उठाने वाला होता है, तीसरा लड़की का मामू होता है, चौथा वो होता है जो मामू से चमचियां पूरी कर रहा होता है। शेख साहब, ये कौन है जिसकी हंसी नहीं निकल रही? एक गुआची चमची है जी। अब मैंने आपको तारफ नहीं करवाया? नहीं सर, ये मेरे गुरु हैं जनाब, शेख चिल्ली साहब। शेख चिल्ली। अच्छा, ये वाजह रहे कि ये शेख चिल्ली दारा शिको वाले नहीं है। अच्छा। ये वो शेख चिल्ली हैं जिनका उर्दू बच्चों के उर्दू अदब में जिक्र मिलता है। अच्छा। ख्याली पुलाव बनाने वाले शेख चिल्ली। अच्छा। जी जी, ये ख्याली पुलाव बनाते हैं, ख्याली पुलाव इनका नहीं बनता। मैकडॉनल्ड से बच्चे का बर्गर लो तो साथ ऐसा खिलौना देते हैं। तुसी कहते हो तो मान लेने शेख चिल्ली लागे, वैसे ग्रीन चिल्ली देन। मैनू ग्रीन चिल्ली भी नहीं, मैनू तो चिल्ली मिली लग रहे हैं। वैसे आपकी तो चिल्ली मिली का साइज भी ईंट जितना तो होगा। शेख चिल्ली कम, भीगी बिल्ली ज्यादा लग रहे हैं। शेख साहब, देख रहे हैं आप? माफी चाहता हूं उस्तादे मोहतरम। कौन सा उस्तादे मोहतरम? शेख साहब, जितनी जितनी लंबी आप छोड़ते हैं, शेख चिल्ली आया ही आपका शागिर्द होने है। शागिर्द होने? जी उस्ताद जी, मैं तो आपके लिए मिठाई भी और सूट भी लाया था। मिठाई ये बाहर मोटा खा गया, तो सूट जो है वो छोटे ने ले लिया कि मेरा नाना फौत हुआ है, मैंने कारी साहब को देना है। मिठाई बड़ा तो 5 किलो ले गए हैं, एक टिक्की ने हंसा बर्फी। वैसे गोगा साहब, मैं माफी चाहता हूं, 10 किलो मिठाई भी आपको तो टिक्की लगनी है। शेख साहब, 10 किलो कितों ले आ सकते, खलियां पै जानी। एक टिक्की ले आया बर्फी की जिसे दिल बनया हुंदा। गोगा सही कह रहे हैं शेख साहब, जिनी यदि सेहत है डॉक्टर ने कोफ्ते ही मना किए इन्हों, कोफ्ता ये गल च फस जाता है। एक बार फस गया कोफ्ता, फिर कुकड़ वगू काफी खराब हुए। भाई क्या बात कर रहे हो, हमारे घर में तो कोफ्ते पकते हैं फुटबॉल के साइज जितने, और खाते भी ऐसे हैं जैसे आप चने का फक्का मारते हो। मुझे तो एक कोफ्ता भी खाया हुआ नजर नहीं आ रहा। अरे मियां क्या बातें कर रहा है, अभी पिछले साल बगदाद के मेले में ये शेख चिल्ली ने पूरा लोड किया हुआ ट्रक उंगली पे रख के यूं घुमाया था। की रिंग वाला। अरे मोटे, तू नहीं बाज आएगा, इधर आ, यहाँ पे नाखून पे बैठ, तुझे देख कैसे उछालूं। ये कुछ ज्यादा हो गई शेख साहब, ये मुमकिन नहीं है। नहीं, शेख चिल्ली नाम ही इस बात साहब, मैं नहीं उनको उस्ताद जी कह रहा। वो आपको उस्ताद कह रहे हैं, और देखिए आप उस्ताद गलत भी नहीं। देखिए ना, पाकिस्तान रेलवे के बारे में शेख साहब आपने क्या क्या दावे कर दिए कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान रेलवे रशिया, टर्की, ईरान के साथ मिल जाएगी। जुनैद साहब, आप यकीन कीजिए कि ईरान वाले तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। वाह वाह, कोई चीज चुक लीजिए तो।
गौरी साहब आप तो करते हैं मजाक की बात, मैं आपको क्या बताऊं, एक तो मैं कंफर्टेबल महसूस कर रहा था उनके साथ चूंकि फारसी में बोल रहा था। अच्छा जी 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 जी, मैंने पांचवी से दसवीं तक फारसी भी पढ़ी हुई। अच्छा तो जब मैंने उनको बताया अपनी प्लानिंग रेलवे की तो मुझे तो वहां का जो रेलवे का वजीर था वो तो मेरी मिन्नतें करनी शुरू हो गया। मुझे कहता है ई शेख रशीद अस्त तू ना इथो जास्त, पाकिस्तान को ट्रैक के जरिए ईरान से मलास्त, फिर इथो गैस ले जास्त, डीजल ले जास्त, जाफरान ले जास्त, कंबल ले जास्त। ठीक साहब ये फारसी है? जी ये अस्त फारसी में ही होता है और पपीते में से नहीं निकलता। रेलवे को फारसी में क्या कहते हैं? ई रेलवे अस्त। जुनैद साहब असल में मैं माफी चाहता हूँ उस्ताद मोहतरम, मैं जरा बात लंबी कर गया। ना 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 शेख साहब, उस्ताद तो आप हैं। जिस तरह आपने रेलवे लाइन के जरिए पाकिस्तान और ईरान को आपस में जोड़ा है और आधे मिनट के अंदर अंदर चीजें मंगवाई हैं, कंबल अस्त, जाफरान अस्त, डीजल अस्त, मेरा तो प्यो भी नहीं मंगवा सकता अस्त, इस तरह आप उस्ताद अस्त और हम आपके शगीर्द अस्त। देखिए उस्ताद मोहतरम तो शेख चिल्ली ही है, असल में फर्क सिर्फ इतना पड़ गया है अपना गौरी साहब, ये शेख चिल्ली साहब जो है हमारे उस्ताद मोहतरम, इनके दौर में मीडिया नहीं था। हम जरा इतनी को भी छोड़ते हैं तो मीडिया उसको लंबी कर लेता है। ये बेचारे जब लंबी भी छोड़ते थे तो खुद इनको शेखी बखेरनी पड़ती थी। एक शेखी जाके गांव गांव शहर शहर बखेरते थे तो बड़ी शोखी भी छोटी रह जाती, हमारी छोटी शेखी भी बड़ी हो जाती। इसलिए उस्ताद आप ही हैं, आप इस तरह की ज्यादती ना करें। इनफैक्ट बोथ ऑफ यू आर उस्ताद, ही इज मस्त। शेख साहब ये आपके उस्ताद शेख चिल्ली साहब कितने दिन के लिए आए? 600 साल के लिए। 600 साल वास्ते? इसी का नाम शेख चिल्ली है। ये देखे ना सारे हैरान हो गए हैं। यही सीखा है हमने शेख चिल्ली साहब से कि बात वो करें जिसमें हैरानगी हो, जो एकदम लोगों को मुतासर करे, तारीख उठा के देख ले, जिस जिसने लंबी छोड़ी है उसी का तारीख में नाम हुआ। तो वापस आते हैं लंबी लंबी छोड़ने की तरफ, मेरा मतलब है मौजू की तरफ, मौजू की तरफ। तो जुनैद साहब मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से 1700 किलोमीटर नया ट्रैक बिछा रहा हूँ। बिछा कर रहे? जहां जगह मिली मैं बिछा दूंगा। जिस तरह साफ नहीं बिछाते, अब जाहिर है साफ उधर ही बिछाते हैं जहां जगह होती है। तो जुनैद साहब ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि क्वेटा से पिशावर और रावलपिंडी से कराची तक नॉन स्टॉप रेल चला रहा हूँ। 7000 रुपया उसका किराया होगा और धड़ाधड़ उसकी बुकिंग शुरू हो गई है। अभी मैंने ट्रैक नहीं बिछाया, अभी मैंने गाड़ी नहीं चलाई, बुकिंग शुरू हो गई। आपकी क्रेडिबिलिटी है ना शेख साहब। अच्छा शेख साहब, उड़ने वाली ट्रेन कब ला रहे हैं? ये देखें, मैं अगली अपनी जो इनोवेशन है वो बताने ही वाला था, उनके मुंह से निकल गया। उड़ने वाली जो जुनैद साहब ट्रेन है वो उस्ताद मोहतरम को इसलिए बुलाया है कि उड़ने वाली ट्रेन उड़ा दूं, कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। उस्ताद मोहतरम ने ये कैसा गुर बताया है, उन्होंने कहा कि बेटा जब छोड़नी है तो फिर सोचना क्या। जैसे वो कहते हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या, जब छोड़नी है तो सोचना क्या। तो जुनैद साहब उड़ने वाली ट्रेन भी इधर आएगी जरूर। और अभी तो मेरा ख्याल है 200 दिन हुए हैं हुकूमत में, अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है, मगर मैं इंशाल्लाह अगले 100 दिन के अंदर अंदर ट्रेन उड़ाऊंगा भी। अच्छा शेख साहब, फ्लाइंग ट्रेन के साथ फिजा में मुअल्लक रहने वाले प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे। उस्ताद मोहतरम, हम आपस में लड़ रहे थे उस्ताद कौन है, हम दोनों का उस्ताद सामने बैठा हुआ है। ये कौन है? ये सहाफी है। हम लोग तो फिर पकड़े जाते हैं, ये कभी भी नहीं पकड़े जाते। शेख साहब खुदा के लिए थोड़ा सा कॉफ करें, क्या आप कौम को सब्ज बाग दिखा रहे हैं? हकीकत यह है कि आप पता नहीं कौन कौन से आलमी मंसूबे पेश कर रहे हैं पाकिस्तान रेलवे के हवाले से। ग्राउंड फैक्ट तो यह है कि आप रेलवे के मुलाजमीन को टीएडीए देने से कासिर है, कहते हैं पैसे ही नहीं है।
जुनैद साहब, जब तक मैं पाकिस्तानी रेलवे को जैपनीज रेलवे के लेवल पे नहीं लेके आता, मैंने किसी को टीएडीए नहीं खाने देना। और ये इंशाल्लाह चंद दिनों की बात है, जब जैपनीज रेलवे के लेवल की हमारी रेलवे हो जाएगी, फिर ये टीएडीए भी इनको खिलाएंगे और साथ सेवन अप भी देंगे। जापानी रेलवे को रहने दे शेख साहब, कितना बुरा लगेगा जापानीज ट्रेन में बासी पकौड़े बिकते हुए। नहीं नहीं जुनैद साहब, आप क्या बात कर रहे हैं, जापानीज इंशाल्लाह बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, आप देखिएगा इस हुकूमत के 5 साल पूरे होने से पहले पहले हम तो रेलवे के जरिए चांद गाड़ी चला रहे हैं। जियो साहब। बस शेख साहब, आपकी जेरे शफकत ही छोड़ रहा हूँ जी। शेख साहब, ये चांद गाड़ी कब चला रहे हैं? ये 5 सालों से पहले पहले इंशाल्लाह। असल में बात यह है, थोड़ा सा मसला बना हुआ है। वो कैसे? डिस्कस मीटिंग में ये हो रहा है कि चांद पे सवारी नहीं है। अच्छा। अकेली उधर वो माई रहती है। रेलवे का जो मेरा जीएम फाइनेंस है वो कह रहा है कि चंद साल इंतजार कर लें, माई के 10-12 बच्चे हो जाएंगे, फिर चला लेंगे। कम से कम उतना खर्चा तो निकल आए ना जितनी हमारी लागत होगी। सब ये तो बहुत लंबा मंसूबा लगता है। पहले माई की शादी होगी। जी, बड़ी जल्दी हो रही है शादी। अच्छा, रिश्ता मिल गया? जी जी, मैंने किस लिए नहीं इतनी देर शादी कराई। जबरदस्त। यही तो जिद लगाई थी जुनैद साहब, अगर बारात जाएगी तो जमीन पे नहीं जाएगी, चांद पे जाएगी। बसंत रावलपिंडी की बारात और हम सब चांद गाड़ी पे बैठ के बाराती जाएंगे। एक मिनट जुनैद साहब, आप समझ रहे हैं मजाक? अभी मैंने आपको चांद गाड़ी का बताया। मुरीख की तरफ जो हम जाने वाले हैं उसकी भी कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। शेख साहब, ये मुरीख पे भी पाकिस्तानी रेलगाड़ियां जाएंगी? और क्या, चील पे बैठ के जाएंगी।